नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतक जिले के बोहर गांव में घर में युवक का शव मिला है, जिसके सिर में चोट मारकर हत्या की गई। शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या का शक उसके दोस्त पर जताया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसका दोस्त 2 बार घर में आता जाता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच करने में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच होने के बाद ही सारे मामले का खुलासा हो पाएगा। अर्बन स्टेट थाना प्रभारी परमजीत कौर ने बताया कि वह फिलहाल मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। सिर में चोट के चलते प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। मैम, क्या पुलिस को सूचना मिली? सुबह हमारे पास फोन आया था गांव से किसी बंदे का कि घर के बाहर से स्मेल आ रही है और हमें लग रहा है कि यहाँ कोई वारदात हुई है। मौके पर पहुंचे तो ये एक लड़का मरा हुआ मिला, जिसकी डेड बॉडी देखने से पता लग रहा है कि इसका मर्डर किया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम सोनू, गांव बोहर का रहने वाला है। बॉडी पे किस तरह के निशान मिले? सिर पे निशान है, चोट के निशान है सिर पे, और बॉडी काफी फूली हुई है, पुराना लग रहा है, 2-3 दिन पुराना लग रहा है। वो अभी जांच का विषय है, उसके बाद में बताएंगे। बताया है, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जा रही है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी ये जांच का विषय है जी। क्या नाम आपका? जय गोपाल। कौन है जी? ये अपना भतीजा है। भतीजा? क्या नाम इसका? सोनू। क्या पता पता चला? इसका आज सुबह चला पता। कैसे हालत में था? पड़ोसियों ने स्मेल सी आई, उन्होंने बताया, फिर देखा तो आपने देखा? ना, मैंने नहीं देखा। क्या बता रहे हैं साहब? क्या चोट मार कर हत्या कर रखी? सिर में चोट लग रही है, खून में निकला हुआ है। अकेला ही रहता था? हाँ, अकेला ही रहता। किसी के साथ है? ना सकते, क्योंकि वो तो सीसीटीवी में भी आ गया, कोई लड़का था इसका यार दोस्त, वो छोड़ के गया है इसको। तो मतलब उसी पे शक है? वो तो आ ही रहा है कैमरे में। तो उसका दोस्त ही था? वो इतना तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इसको लाया है यहाँ, 2-3 घंटे बैठ के गया है, फिर सुबह भी आया है, कैमरे में आ रहा है वो। तो कम से कम 2-3 दिन पुरानी डेड बॉडी? ये 21 तारीख की को हुआ शायद, 2-3 दिन तो हो ही गए। काम क्या करता था? काम तो बस अपना खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत कर लेता था। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।